दोस्तों मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपको मालूम है कि पिछले बीते हुए 22 मार्च यानी कि कल जनता कर्फ्यू पूरे देश में, पूरे इंडिया में लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अगर उस जनता कर्फ्यू में आपका समर्थन था तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना शपथ ग्रहण शपथ ले सकते हैं जनता कर्फ्यू का, और सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और जनता कर्फ्यू के साथ साथ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसका शपथ लेके आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ये वीडियो इसके बाद आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, इस लिंक पर क्लिक करेंगे या ब्राउजर में सर्च करेंगे PLEDGE.mygov.in। इतना सर्च करेंगे या आपको वीडियो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे दिए गए ऑप्शन, किस चीज का आप शपथ लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आई सपोर्ट जनता कर्फ्यू के बारे में शपथ लेकर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल वीमेन डे और बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए जिनके बारे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान का शपथ लेके आप इनका भी सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसी तरह के यहाँ पे गांधी जी का शपथ लेके उनका भी सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिखा भी गया है NIC, मतलब कोई भी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट NIC के द्वारा बनता है, और वेबसाइट में URL में भी आपको mygov.in यहाँ लिया दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ साफ ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको कॉपीराइट में भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे NIC द्वारा बनाया गया, और इनके URL में भी GOV है, मतलब गवर्नमेंट है, मतलब ये पूरी तरह गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर मैं जनता कर्फ्यू का शपथ लेना चाहता हूँ, इनका सर्टिफिकेट जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह सेंटर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट को ईमेल में भिजवा सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शपथ लेना होगा। यहाँ पे आपको मिला है शपथ लीजिए, तो शपथ लीजिए क्लिक करेंगे। जैसे आप शपथ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ जनता कर्फ्यू की शपथ, तो यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले नाम का टाइटल सेलेक्ट करना होगा, श्रीमती जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना होगा। फुल नेम दे देने के बाद आपको यहाँ पे आपको जेंडर पूछेगा, मेल या फीमेल वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप कैलेंडर से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले साल, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको डे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका स्टेट क्या है। उसको स्टेट देने के बाद यहाँ से आपका जिला पूछेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी देंगे तो सर्टिफिकेट को आप कभी भी मेल पर भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको भाषा के चयन के लिए आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल दे दिया। यहाँ पे प्रोसीड टू लैंग्वेज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है भाषा सुनने के लिए, आप भाषा सेलेक्ट करने के लिए आप शपथ किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शपथ पढ़िए पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मैं जनता कर्फ्यू का पालन करूंगी और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार के सभी निर्देश का पालन करूंगी, ठीक है। ये शपथ लिए, उसके बाद यहाँ पे दिया गया मैंने शपथ ली, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, जनता कर्फ्यू की शपथ, मैं जनता कर्फ्यू का पालन करूंगी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक QR कोड भी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे जो मैंने नाम दिया तो उसी नाम के हिसाब से यहाँ पे एक सिग्नेचर भी जनरेट कर दिया गया है। ये मेरा सर्टिफिकेट हो गया, जो कि जनता कर्फ्यू के शपथ के लिए मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र अपने मोबाइल पे भेजे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपका सर्टिफिकेट रहेगा।
यहाँ प्रमाण पत्र अपने ईमेल में भेजें। यहाँ भी कह रहा प्रमाण पत्र प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप फेसबुक पे भेज सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को, यहाँ से अपने ट्विटर पे भी आप भेज सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे में ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे सिस्टम में ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, ये हमारा सर्टिफिकेट है। इसी तरह आप किसी का भी शपथ ले सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह के शपथ दिए गए, यहाँ पे संविधान की शपथ पे भी आप ले सकते हैं। संविधान की शपथ लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में मुझे तो आपको दिक्कत होगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिक्कत होगा। आपको मैं एक ही वीडियो में सारा चीज के बारे में समझा दूं, मेरा ये कोशिश रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से सेम उसी तरह आपको फॉर्म मिलेगा। आपका नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिलअप करना होगा। मैं ये भी आपको एक जनरेट करके दिखा देता हूँ। इस तरह मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया। यहाँ पे भाषा के चयन के लिए आगे बढ़े, यहाँ फिर से कर रहा है आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं। उद्देश्य को यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ उद्देश्य पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम भारत के संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ये पूरा चीज आपको पढ़ना होगा गणराज्य बनाने के लिए, तथा समतवासियों को नगरवासियों को विश्वास धर्म उपासन की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, इसी तरह का आपको पढ़ लेना है, तथा उन सभी को व्यक्तिगत और गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इसी तरह का आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ये पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे तारीख भी दिया गया, आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है ठीक है। ये मैंने पूरा पढ़ लिया, ये भी आपको पूरा पढ़ना ही है, छोटा सा है, ठीक है। पढ़ लेने के बाद आपको ये नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शपथ ले रहे हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पढ़ लेने के बाद यहाँ मैंने पढ़ा, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो मोबाइल ने आप नंबर आप दिए थे उसी पे आपको ओटीपी आ गया होगा। आप देख लीजिए तुरंत ओटीपी आ जाए, तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी देखिए मेरा संविधान की शपथ का भी एक सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, संविधान की उद्देशिका। यहाँ पे जो मैंने शपथ लिया वो पूरा चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे QR कोड भी जनरेट हुआ, यहाँ पे नाम भी हुआ है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट का तो कोई काम नहीं होगा, किसी जॉब वगैरह में नहीं लगा सकते, लेकिन आप रख सकते हैं ऐसे कि शपथ मैंने लिया हूँ, ठीक है। इसका कोई भी जॉब वगैरह में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। इसको भी आप डाउनलोड वगैरह ये कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड में कर लेता हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री में कैसे ले सकते हैं, सभी सर्विस के साथ। इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इसकी मदद से आप अपनी दुकान में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं कस्टमर को। तो चलिए ऐसे जानकारी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो वीडियो का टॉपिक हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा।